सुबह का सुबह कानपुर के पास एनकाउंटर हो गया, एसटीएफ ने ढेर किया। उज्जैन से कानपुर लाते वक्त पलटी गाड़ी, विकास दुबे ने की जख्मी पुलिस वाले का हथियार छीनकर भागने की कोशिश, गोलीबारी में मौत। विकास दुबे को लगी 4 गोलियां, डॉक्टर बोले 3 गोली सीने में लगी, अस्पताल लाने से पहले हो चुकी थी मौत। यूपीएसटीएफ ने विकास दुबे एनकाउंटर पर दी बड़ी जानकारी, कहा काफिले के सामने भैंसों का झुंड आया। एसटीएफ ने कहा हादसे से बचने के लिए अचानक गाड़ी मोड़नी पड़ी, इसी दौरान विकास दुबे वाली गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। पहले एसटीएफ ने मीडिया से बनाई दूरी, चेकिंग के नाम पर काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को रोका गया। शाजापुर में पेट्रोल पंप के पास एक पुलिसकर्मी ने बंद कराया आज तक का कैमरा, पीछा करने पर धमकाया। बचौर से पहले उदनखेड़ी के पास एक टोल पर एसटीएफ के काफिले की एक इनोवा ने रोकी आज तक की गाड़ी, पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर से चाबी छीनकर झाड़ियों में फेंकी। विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद मां सरला देवी की तबीयत बिगड़ी, कहा कानपुर के बिकरू गांव कभी नहीं जाऊंगी। एनकाउंटर के बाद कानपुर पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को छोड़ा, कल हुई थी पत्नी की गिरफ्तारी। विकास दुबे के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव। विकास दुबे के गांव बिकरू में तलाशी अभियान, पुलिस ने कई देसी बम बरामद किए। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव में जश्न का माहौल, गांव वालों ने मिठाई बांटी, बोले जो हुआ अच्छा हुआ। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने ली राहत की सांस, बोले नहीं भूलती वो खौफनाक रात। पुलिसकर्मी जितेंद्र सिंह के परिजनों ने कहा व्यर्थ नहीं गया बेटे का बलिदान। एनकाउंटर पर हमलावर हुआ विपक्ष, राहुल गांधी ने कहा कई सवालों से अच्छी है खामोशी उनकी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग, प्रियंका गांधी का सवाल अपराधी का अंत लेकिन संरक्षण देने वालों का क्या। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा विकास के साथ दफन कर दिए गए सभी राज। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी योगी को घेरा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। अखिलेश यादव का बयान, कार नहीं पलटी है सरकार, पलटने से बचाई गई है। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने यूपी सरकार और पुलिस को दी बधाई, कहा एनकाउंटर पर हर बार उठते हैं ऐसे ही सवाल। अखिलेश और प्रियंका गांधी पर शिव प्रताप शुक्ला का पलटवार, कहा आरोप लगाने वाले अपने गिरेबाई पर सवाल उठाना ठीक नहीं। साक्षी महाराज ने कहा योगी जी के पास है विकास यादव का कच्चा चिट्ठा, सबकी सच्चाई सामने आएगी। एनकाउंटर के बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी ने सीएम से की मुलाकात, एनकाउंटर के बाद विधिक कार्रवाई की दी जानकारी। देश 8 लाख के करीब पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का देश में आंकड़ा, अब तक 21,000 से ज्यादा की मौत, 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, 475 ने गवाई जान। देश भर में कोरोना के 2,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस, करीब 5 लाख लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 के पार, 9,600 से ज्यादा गांव गवा चुके हैं अपनी जान। तमिलनाडु में करीब 3,600 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या करीब 1,30,000। दिल्ली में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, अब तक करीब 1,07,000 संक्रमित, 3,200 से ज्यादा मौतें। गुजरात में कोरोना के 39,000 से ज्यादा मामले, मरने वालों की संख्या 2,000 के पार। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संक्रमितों की संख्या, 32,000 से ज्यादा बीमार, 862 की मौत। कर्नाटक में करीब 31,000 मरीज, 486 लोगों ने गवाई जान। तेलंगाना में 30,000 से ज्यादा मामले, 18,000 से ज्यादा स्वस्थ। मरकज मामले में पकड़े गए 82 बांग्लादेशी नागरिकों की जमानत मंजूर, 10,000 रुपए के बॉन्ड पर छोड़ा गया। शिक्षकों को वेतन न देने के मामले में हाईकोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी से मांगा जवाब, दिल्ली सरकार का दावा अप्रैल से जून के बीच जारी किए 39 करोड़ रुपए। दिल्ली में 50% तक महंगी हुई सब्जियां, टमाटर 70, आलू 36 रुपए किलो। एम्स में 10वीं मंजिल से कूदकर एक जूनियर डॉक्टर ने दी जान, डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या का शक। नोएडा के आइसोलेशन सेंटर से मरीजों ने भेजी बद इंतजामी की तस्वीरें, बोले साफ सफाई का नामो निशान नहीं, गंदगी में बीमारी से कैसे बचे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे पूर्व विधायक, गुड्डू पंडित ने सैकड़ों लोगों के साथ मनाया जन्मदिन। मुजफ्फरनगर में गोंडिया मठ आश्रम से बाबा भक्ति भूषण सहित 2 गिरफ्तार, पढ़ाई के नाम पर बच्चों से कुकर्म का आरोप, 10 बच्चे छुड़ाए गए। वाराणसी में कुछ ही देर की बारिश में खुली प्रशासन के दावों की पोल, कई इलाकों में जल भरा। गाजीपुर में पुलिस पर दबंगों ने किया हमला, 4 पुलिस वाले घायल, मारपीट के एक मामले में जांच के लिए पहुंचे थे पुलिसकर्मी। प्रयागराज में अवैध बालू खनन करने वाले 17 गिरफ्तार, रेत लदे कई ट्रक जब्त। रायबरेली में अवैध हथियार के साथ हत्या का आरोपी गिरफ्तार, चोरी की गाड़ियां भी बरामद। सहारनपुर में रिटायर्ड फौजी ने आपसी विवाद में अपने बेटे को गोली मारी, कत्ल के बाद फरार। गंगानगर में मिट्टी में दबी मिली युवती, लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी का छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश, नाराज छात्रों ने की नारेबाजी।
कर्नाटक के चामराजनगर में महिलाओं और किसानों का प्रदर्शन। शहर के मशहूर माले महादेश्वर मंदिर में पर्यटकों की एंट्री बंद करने की मांग। कोरोना संक्रमण की वजह से 10 जुलाई तक लॉक हुआ महाराष्ट्र और औरंगाबाद शहर। घर से निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर पुणे। अब तक 25,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना संकट के बीच औरंगाबाद के आपत गांव में युवाओं ने पेश की मिसाल। युवक युवतियों ने उठाया बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा। केरल में कोरोना के 416 नए मामले। अब तक 65,000 से ज्यादा संक्रमित। जैसलमेर में नीरव मोदी पर कसा ईडी का शिकंजा। 12 पवन ऊर्जा संयंत्र जब्त। राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने की साजिश का दावा। एसओजी ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस। कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने और खरीद फरोख्त का आरोप। कोरोना को लेकर राहुल गांधी के सवालों पर केंद्रीय कृषि मंत्री का विवादित बयान। बोले राहुल पीएम होते तो दीवार पर लटक रही होती सबकी तस्वीरें। जयपुर में सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने जम्वा रामगढ़ के पापड़ गांव से पकड़ा। गुरुग्राम में निजी लैब के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना की झूठी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप। भिवानी में एक युवक ने फेसबुक लाइव के दौरान की आत्महत्या। निजी अस्पताल में काम करता था युवक। हॉस्पिटल स्टाफ पर तंग करने का आरोप। यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ पीएम को खत लिखेगी पंजाब सरकार। सीएम ने की यूनिवर्सिटी परीक्षाएं रद्द करने की मांग। बरनाला में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का प्रदर्शन। टोल प्लाजा कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप। पानीपत में 21 साल के युवक की बेरहमी से हत्या। गली से ट्रैक्टर निकालने पर हुआ था विवाद। सरपंच सहित 21 लोगों पर आरोप। कोरोना संकट के बीच जिम बंद होने से बढ़ी साइकिल की मांग। चंडीगढ़ में साइकिल की बिक्री जोरों पर। अंबाला में लॉक हुआ एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट। 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सील। इंदौर में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 44 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार। 258 की मौत। छतरपुर में एक मुस्लिम युवक ने किया गाय के बछड़े का रेस्क्यू। कुएं में गिरे बछड़े की जान बचाई। वायरल हो रहा है वीडियो। इंदौर के नयापुर इलाके में वन विभाग के अधिकारियों ने किया घायल तेंदुए का रेस्क्यू। आपस में भिड़े थे दो तेंदुए। इंदौर में होगा इलाज। सीहोर में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के पतन का कारण। सूरत के एक ज्वेलर ने तैयार किया सोने चांदी और हीरों से जड़ा मास्क। कीमत 4,00,000 रुपए। बिहार में कोरोना के 352 नए मरीज। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 के पार। मुंगेर में नक्सलियों ने की दो ग्रामीणों की हत्या। मुखबिरी के शक में कुल्हाड़ी से गला काटा। पटना में लावारिस लाश फेंकते हुए दो लोगों की तस्वीर वायरल। जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मधेपुरा में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू। सुबह शाम खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें। सुपौल में भी 13 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। सिर्फ जरूरी सामान की खरीदारी की जा सके। तमिलनाडु के थुतुकुड़ी में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले की जांच सीबीआई के हवाले। पिता पुत्र की मौत को लेकर पुलिस पर गंभीर सवाल। विशाखापट्टनम में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे। तेल के टैंकर लेकर जा रही थी मालगाड़ी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अम्फान तूफान पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। एमसीडी दफ्तर पर हंगामा। पुनर्वास पैकेज की मांग। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन का शिकार हुआ ईटानगर का एकमात्र 5-स्टार होटल। 6-मंजिला इमारत धराशायी। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। उत्तरी बिहार की नदियों में तेजी से बढ़ रहा है पानी का स्तर। 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी। गोंडा के कई इलाकों में घुस रहा है बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश में भी उफन रही है नदियां। सिवनी में कानीपाड़ा और कलारबांकी को जोड़ने वाले पुल पर तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से घर और दुकानों में भरा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। पश्चिम बंगाल में भी नदियों में उफान। जलपाईगुड़ी और झालोंग में सैलाब की वजह से नदी के दोनों ओर फंसे ट्रक। तमिलनाडु में मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तरी इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका। असम में बाढ़ से 12 जिलों में तबाही। पर्यटन मंत्री चंदन ब्रह्मा ने नौका में सवार होकर किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर। ईटानगर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन। निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। बिहार के शिवहर में कई गांवों में घुसा बागमती नदी का पानी। कच्ची सड़क पर तेज बहाव की वजह से आवागमन बाधित।
गुजरात के भुज में भी भारी बारिश से बेहाल हुए लोग, शहर के कई इलाकों में भारी जल भरा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।